हेलो फ्रेंड्स, राम राम। ये देखिए फ्रेंड, ये है नकुमट का पेस्ट और ये है स्लेट पेंसिल का पेस्ट। अब हम इसको बेक करेंगे। मैंने गैस ऑन कर दिया, इसके ऊपर हम इसको रख देंगे। मैंने इसको गैस के ऊपर रख दिया है। दूसरी साइड हम स्लेट पेंसिल का पेस्ट रख देंगे। ये देखिए फ्रेंड, ये ड्राई होने लगा है और इसमें प्लेट को भी छोड़ दिया है, थोड़ा सा रह गया है पर ये बेक होने वाला है और देखने में बहुत ही यम्मी और टेस्टी लग रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी नकुमट और स्लेट पेंसिल का पेस्ट ये अच्छे से बेक हो गए हैं। ये देखिए कितना सही बेक हुआ है, ये देखिए। ये बेक होने के बाद अपने आप इसने प्लेट को छोड़ दिया है और ये देखिए बढ़िया से बेकिंग के पीस निकल आए हैं। और बेक करते समय इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आ रही थी, बहुत ही यम्मी स्मेल थी। ये देखिए बिल्कुल बन पीस में, मतलब अच्छे से बड़े बड़े चंक्स निकले हैं इसके। ये देखिए कितने सही चंक्स निकल के आए हैं। अब हमने जो स्लेट पेंसिल के पाउडर को बेक किया था, हम इसको भी निकाल लेते हैं। ये देखिए, ये तो बिल्कुल वन पीस में निकल आया है। देखिए इसको निकालने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगी और ये बिल्कुल वन पीस में निकल आया है। देखिए कितना सही लग रहा है, एकदम बढ़िया यम्मी टेस्टी लग रहा है। देखिए इसकी टेस्ट की बात करूं तो मैं इसको, मैंने थोड़ा सा टेस्ट किया है और इसको मैंने फिर तुरंत इसको बाहर निकाल दिया। ये काफ़ी अर्दी और काफ़ी अच्छा है, काफ़ी मतलब बढ़िया एकदम बेक हो गया है। और मैं तो यही कहूँगी कि जितने लोग भी इस तरीके से क्रंच करते हैं, भले आप सॉलो नहीं करते, तो एक बार इन सब चीज़ों को आप गैस पे गरम ज़रूर कर लिया कीजिए। इससे होता यह है कि जो भी उसमें बैक्टीरिया वगैरह होंगे ना, तो वो मर जाएंगे, एटलीस्ट
बैक्टीरिया तो आपके बॉडी में एंटर ना करें, क्योंकि बाकी तो ये आप खाएंगे तो ये इससे खाने में कोई बेनिफिट है नहीं। बाकी स्मेल इसमें गजब आ रही थी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। और जो लोग क्रंच वीडियो बनाते हैं वो इस तरीके से भी वीडियो बना के क्रंच कर सकते हैं। ये बहुत ही यम्मी और बढ़िया लग रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का वीडियो पसंद आया। पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना ना भूलें। बाय। राम राम जी।